सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि भाई फ्रेशन बाइप्रिज्म क्या होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है? सो एक बार ब्रीफ में रिवाइज़ कर लेते हैं। हमें पता था कि एंगल ऑफ डेविएशन का हमने यूज़ किया है बाइप्रिज्म की प्रॉपर्टीज़ के लिए। सो हमने क्या किया था, दो प्रिज्म्स को इस तरीके से कंबाइन किया है कि हमारा एक एंगल 179 डिग्री का बनेगा एंड बाकी दो एंगल्स 30 30 मिनट्स के, ठीक है? कुछ इस तरीके से हमारा सर्किट डायग्राम बना था, जहाँ पे हमने क्या रिजल्ट निकाला था कि ए बी सी जो हमारा बाइप्रिज्म है, यहाँ पे किसी सोर्स एस से लाइट आ रही थी और वो लाइट्स किस तरीके से आ रही थी कि आपकी जो लाइट्स ऊपर जा रही हैं वो एक इमेजिनरी सोर्स क्रिएट करी है, वो कि क्या है S1, एंड जो डाउनवर्ड से आ रही है वो क्या क्रिएट करी है S2। तो S1 एंड S2 दो हमारे कोहेरेंट वर्चुअल सोर्सेज प्रोड्यूस हो जाते थे, जिनकी वजह से हमें क्या मिलता था, इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है? सो लास्टली हमने डिस्कस किया था कि पाथ डिफरेंस हमारा कितना आता है। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हमने कैलकुलेट किया था एन लैम्डा, एंड डार्क के लिए 2n+1 λ/2। ओके, सो अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा बाईफ्रेशनल के अंदर ही है। फ्रेशनल बाई प्रिज्म के अंदर ही है। उसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि आप वेवलेंथ कैसे निकाल सकते हो लाइट की, जो भी आपने इंसिडेंट कराई है, ठीक है? नेक्स्ट, आप फ्रिंज विड्थ कैसे निकालोगे, बीटा जिसको हम बोलते हैं। स्मॉल डी की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि आपकी क्या डिस्टेंस थी दोनों वर्चुअल सोर्सेज के बीच की, ठीक है? एंड जनरली तो आप क्या लेते हो, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हो, लेकिन अगर आप वाइट सोर्स लोगे यानी कि वाइट लाइट लोगे तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कैसे बनेंगे वो भी हम देखेंगे। एंड उसके बाद लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस, कि आपकी जो फ्रिंजेस हैं उसके अंदर आप क्या करो, किसी भी पाथ में अगर ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दोगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है लाइट की जो आपने इंसिडेंट कराई है, ठीक है? तो आप कैसे निकाल सकते हो, हम जानते हैं कि हमारा बीटा का फॉर्मूला होता है λd/d। अब यहाँ से अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी बीटा अपॉन डी, ठीक है? सिंपली यहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको स्मॉल डी की वैल्यू, बीटा की वैल्यू एंड कैपिटल डी, इन सब की वैल्यू चाहिए। सो वो वैल्यूज़ हम देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रिंज वेट बीटा, आप फ्रिंज वेट को कैसे निकाल सकते हो। सो उसके लिए हम क्या करना होगा, व्हेन फ्रिंज वेट ऑब्जर्व इन द फील्ड व्यू ऑफ आईपीस, वर्टिकल क्रॉस वायर मेड टू कॉन्साइड विद द सेंटर ऑफ वन ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस। क्या होगा कि जब आपका जो ब्राइट फ्रिंज है उसके सेंटर से कॉन्साइड करेगा क्या, आपका आईपीस का वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, ठीक है? तो उस टाइम पे आप रीड करोगे कि आपकी जो पोजीशन है आईपीस की वो क्या रीड कर रही है, एक्स नॉट, ठीक है? कहाँ पे बात हो रही है, सेंटर ऑफ द ब्राइट फ्रिंज, ठीक है? किसी भी ब्राइट फ्रिंज के सेंटर पे, मान लेते हैं ये आपका पर्टिकुलर कोई ब्राइट फ्रिंज था, इसके पर्टिकुलर सेंटर पे आपने सेट किया आईपीस को और इस पोजीशन को नाम दे दिया एक्स नॉट, ठीक है? नेक्स्ट, माइक्रोमीटर स्क्रू ऑफ आईपीस इज मूव, उसके बाद आपको क्या करना, आईपीस के जो आपका माइक्रोमीटर स्क्रू होता है उसको मूव करना है। किस तरीके से, आप कितने भी फ्रिंजेस को क्रॉस करके जा रहे हो, एक तो आप वो कैलकुलेट करोगे कि बीच में आपने कितने फ्रिंजेस को कवर किया है, एंड उसके बाद आप किस पोजीशन पे आए हो, वो पोजीशन हम मान लेते हैं एक्स एन, ठीक है? तो उसके बाद आपने कई सारे फ्रिंजेस को क्रॉस करके नेक्स्ट आपने जो फ्रिंज निकाला है उसकी पोजीशन आपकी क्या है, एक्स एन, ठीक है? तो जब आपको फ्रिंज विड्थ निकालनी है बीटा, तो आप कैसे निकालोगे, आपकी लास्ट पोजीशन थी एक्स एन, सो एक्स एन माइनस एक्स नोट जो आपकी इनिशियल पोजीशन थी जहाँ पे आपने स्टार्टिंग आईपीस को सेट किया था, एंड डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो आपने कवर किए हैं, ठीक है? सो आपने क्या किया, ऐसे में आप एक भी ले सकते हो कि मान लेते हैं ये आपका फ्रिंज था, आपने नेक्स्ट ही फ्रिंज के ऊपर, ये आपका एक्स नोट था, नेक्स्ट फ्रिंज के ऊपर ही सेट कर दिया, ये आपने एक्स एन ले लिया। सो कितने को क्रॉस किया, एक को, सो वहाँ पे आप एक भी ले सकते हो, दो तीन जितने भी आप चाहो ले सकते हो। सो यहाँ से आपके पास पर्टिकुलर किसकी वैल्यू आ जाएगी, बीटा की, कि आपकी फ्रिंज विड्थ कितनी है, ठीक है? ठीक है, तो हमें बीटा की वैल्यू पता चल गई। अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ डी, यानी कि हमारी स्मॉल डिस्टेंस डी। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ इज प्लेस बिटवीन द स्लिट एंड आईपीस विदाउट डिस्टर्बिंग। आपको क्या करना है, स्लिट और आईपीस के बीच में किसी लेंस को रखना है। कौन से लेंस को, कन्वेक्स को। कैसे रखेंगे, अब आपका जो प्रिज्म था, मान लेते हैं ये हमारा प्रिज्म है,
ठीक है, एंड यहाँ पे कोई भी सोर्स ऐसा था जिससे इसके ऊपर क्या आ रही है, लाइट आ रही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका आईपीस रखा हुआ है आपकी स्क्रीन, इनके बीच में एक कन्वेक्स लेंस को सेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या रख दिया लेंस को, इसको नाम दे दिया L1। ठीक है, और ये चीज़ आप चेक करोगे कि ये आपका जो सोर्स था एंड आपने जो लेंस रखा है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। इनकी डिस्टेंस मान लेते हैं हम यू है, एंड आपके लेंस से लेके आईपीस तक की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं वी है। ठीक है, सो अब आप क्या करोगे, बेसिकली आपका जो यहाँ पे आईपीस होगा, अब इससे जो भी लाइट्स आएंगी वो आपके लेंस से क्रॉस होके आएंगी। तो आप जनरली क्या मेज़र करोगे कि एक आपकी इमेज बन रही है कुछ यहाँ पे इस पोजीशन पे, सेकंड बन रही है यहाँ पे। सो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप आपके स्केल से मेज़र कर सकते हैं इजीली। सो D1 आपकी ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से सेम काम आप क्या करोगे, ये जो लेंस आपने यहाँ पे रखा था जहाँ पे यू आपकी डिस्टेंस थी, आप क्या करोगे सेम इसी लेंस को कुछ आपके आईपीस के क्लोज रख दोगे। ठीक है, एक नई पोजीशन पे। ठीक है, सेम उसी पोजीशन पे नहीं रखना है, आपको अलग पोजीशन पे रखना है। तो उसके लिए मान लेते हैं आपकी जो डिस्टेंस आएगी इमेजेस के बीच में वो D2 आएगी, एंड यहाँ पे फिर वही यू एंड वी, जहाँ पे यू क्या है, यू आपकी डिस्टेंस ऑफ स्लिट है, एंड वी क्या है, दैट ऑफ आई पीस फ्रॉम द लेंस, लेंस से आई पीस तक की डिस्टेंस। तो अभी आप क्या निकालोगे, अभी आप निकालोगे मैग्नीफिकेशन कि भाई फर्स्ट केस में एंड सेकेंड केस में जो आपने L1 लेंस को रखा था, L2 को रखा था, उनके केस में मैग्नीफिकेशन क्या आएगा। हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं, वी बाई यू करके। सो फर्स्ट केस में वी बाई यू इज इक्वल्स टू आपकी कितनी डिस्टेंस थी, D1, एंड आपको जो निकालना है कैपिटल D आपकी क्या है वो स्लिट के लिए, तो वो क्या जाएगा कैपिटल डी। सिमिलरली ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी, इसी तरीके से आपकी इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जो अपोजिट केस करना है, जो डिस्टेंस यहाँ पे वी थी वो डिस्टेंस अब यहाँ पे होगी वी, एंड यहाँ पे क्या होगी यू, यानी कि एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट, कि यहाँ पे पहले 10 मीटर था, ये 5 मीटर था, तो अब ये 5 हो गया और ये 10 हो गया। ठीक है, सो आपका मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, यू बाई वी दैट इज़ इक्वल्स टू D2 सेकेंड केस में बाई D। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी बाई यू इंटू यू बाई वी दैट इज D1 बाई D इंटू D2 बाई D। अब यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, निकालना क्या है हमें D। सो यहाँ क्या आ जाएगा, D² इज इक्वल्स टू D1 इंटू D2। सो आपकी एग्जैक्टली D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D1 इंटू D2 का अंडर रूट। ठीक है, तो उन दोनों डिस्टेंसेस से आप निकाल सकते हो कि आपकी लेंथ कितनी है बाई प्रिज्म की। ओके, या फिर एक और फॉर्मूला भी होता है, वो भी आपको बता देते हैं कि आप निकाल सकते हो D इज इक्वल्स टू 2a u - v इंटू अल्फ़ा। एक ये भी फॉर्मूला होता है जहाँ पे अल्फा आपका एंगल ऑफ डेविएशन होता है, म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड डी आपकी लेंथ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विद वाइट लाइट। अगर आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह वाइट लाइट का यूज़ करोगे तो आपके इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कैसे बनेंगे। सो बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में इफ़ स्लिट इज इल्यूमिनेटेड विद वाइट लाइट, इंटरफेरेंस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अगर आप वहाँ पे वाइट लाइट का यूज़ करोगे तो जो आपके फ्रिंजेस बन रहे हैं उसमें क्या बनेगा, सेंट्रल वाइट फ्रिंज। आपके जैसे इस तरीके का पैटर्न बना था तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट O के ऊपर जो फ्रिंज बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ओके, एंड उसके साथ साथ फ्लैंक्ड ऑन बोथ साइड ऑफ फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। अब क्योंकि आप वाइट लाइट यूज़ कर रहे हो तो उससे क्या होगा, सेंटर में तो आपका ब्राइट बन जाएगा वाइट, लेकिन जो अपर एंड लोअर साइड होगी वहाँ पर कैसे बनेंगे, कलर्ड फ्रिंजेस बनेंगे। सो इन केस आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हो सो ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम कलर। मोनोक्रोमेटिक के केस में तो ऑब्वियस ही बात है भाई, आपकी लाइट ही मोनोक्रोमेटिक है, जब एक ही कलर है उसका तो जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे वो सेम कलर के बनेंगे। अब आप येलो लाइट लोगे तो येलो कलर के बनेंगे, ठीक है, कोई और लोगे तो उसी कलर के बनेंगे। एंड नॉट पॉसिबल टू लोकेट जीरो ऑर्डर फ्रिंज। एंड इसके केस में क्या होगा कि आपके ब्राइट फ्रिंजेस तो सेम कलर के बनेंगे लेकिन आपका फ्रिंज जो होगा जीरो ऑर्डर का वो आप लोकेट नहीं कर पाओगे। सो हम क्या कह सकते हैं, टू लोकेट
जीरो ऑर्डर फ्रिंज, जीरो ऑर्डर फ्रिंज वी मस्ट यूज वाइट लाइट। अगर आपको जीरो ऑर्डर फ्रिंज चाहिए तो आप किस लाइट को यूज़ करो, वाइट लाइट को। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। आप बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का यूज़ कर सकते हो किसके लिए, किसी भी शीट की थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए। उस थिकनेस की वजह से, उस शीट की वजह से ही तो डिस्प्लेसमेंट होगी। अब ये शीट कैसी होगी, ऑब्वियसली बात है ग्लास, मीका, कुछ इस तरीके के मटेरियल की होगी, ट्रांसपेरेंट शीट। ठीक है, तो कैसे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज S1 एंड S2 आर वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, सबसे पहले हमें क्या अज्यूम करना है, आपके S1 एंड S2 आपके दो वर्चुअल सोर्स। अकॉर्डिंगली हम देखते हैं, ये आपका मान लेते हैं S1 सोर्स है, ये आपका S2 सोर्स है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस अवे आपने स्क्रीन रखी हुई है जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, O। अभी हम और अरेंजमेंट को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ क्या देख रहे हैं कि इन सोर्सेज से जो डिस्प्लेसमेंट होगी सेंटर पॉइंट तक वो कैसे होगी। ठीक है, सो यहाँ से आपकी डिस्टेंस सेम है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं दैट S1O इज इक्वल्स टू S2O। ठीक है, सो जैसा कि हमारी थ्योरी भी कह रही है, पॉइंट O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम S1 एंड S2 वेयर वी गेट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सो ऑप्टिकल पाथ जो होगा आपका वो क्या होगा, S1O दैट इज इक्वल्स टू S2O। ओके, देन हमें क्या करना है, लेट अ ट्रांसपेरेंट प्लेट जी ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द बीम्स। ये जो आपकी बीम्स जा रही थी, मान लेते हैं इनमें से किसी भी बीम के रास्ते में आपको एक टी थिकनेस की शीट रखनी है। मान लेते हैं हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, ये आपकी कोई भी शीट है जिसकी थिकनेस क्या है, टी, एंड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू। अब ऑब्वियसली बात है ये दोनों डिस्टेंस सेम नहीं रहने वाले। ठीक है, एंड एक और बात, आपका सेंट्रल फ्रिंज भी यहाँ पे नहीं बनेगा, वो मान लेते हैं किसी पॉइंट पी पे बनेगा। ठीक है, सो यहाँ से एंड यहाँ से। ठीक है, हमने ये पी आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है कि भाई ओ पे नहीं बनेगा, किसी और पॉइंट पे बनेगा, वो पॉइंट है पी। अब उसकी डिस्टेंस कितनी है कितनी नहीं वो हमें नहीं पता है। ठीक है, हमने सिर्फ ऐसे ही अज्यूम किया है कि किसी पी पॉइंट पे बनेगा, क्योंकि आपके बीच में ये ऑब्स्टेकल आ चुका है। अब यहाँ से जो लाइट जाएगी वो ऐसे तो है नहीं, पहले तो डायरेक्ट एयर से जा रही थी, दोनों की डिस्टेंस भी सेम थी, लेकिन अभी शीट आ जाने की वजह से अब ये शीट को क्रॉस करके जाएगी, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्रॉस करके जाएगी, तो कुछ ऑब्स्टेकल की वजह से ये क्या किसी पी पॉइंट पे बनाएंगे फ्रिंजेस। ठीक है, सो ये इंट्रोड्यूस होने की वजह से, सो हम क्या बोल सकते हैं दैट S1O इज नॉट इक्वल टू S2O। ऑब्वियसली बात है वहाँ पे सेंट्रल फ्रिंज भी नहीं बनेगा। सो हमारा सेंट्रल फ्रिंज जो है वो शिफ्ट हो गया फ्रॉम O टू, अभी अभी हमने देखा किस पे शिफ्ट हो गया, P पे। सो O टू P हमारा शिफ्ट हो चुका है। ओके, सो द डिस्टेंस ट्रेवल इन एयर एंड दैट इन शीट। अभी आपकी जो ये वाली रे थी S1 जिसके बीच में ऑब्स्टेकल है, ये रे यहाँ से कितनी तो डिस्टेंस एयर में कवर करेगी एंड कितनी डिस्टेंस आपकी इसके अंदर कवर करेगी, सो वो कितनी हो जाएगी। अब S से लेके P तक की डिस्टेंस है, यानी कि S1P, लेकिन उसके अंदर से हमें T माइनस करना होगा क्योंकि एयर में तो इतनी है, इसके बीच में तो एयर नहीं है। सो ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एयर में, लेकिन इसके अंदर की डिस्टेंस को हम कितना बोलेंगे, म्यू टी, क्योंकि म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड टी क्या है, थिकनेस। ओके, सो आपकी डिस्टेंस एयर के अंदर कितनी होगी, S1P माइनस टी एंड शीट के अंदर म्यू टी। सो ऑप्टिकल पाथ हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल पाथ डेल्टा S1P एंड S2P क्या होगा। अभी सेकंड के लिए तो हमें कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि सेकंड का तो सेम एज इट इज़ चल रहा है, तो S2P ही होगा। लेकिन S1 के लिए क्या होगा, इन दोनों का समेशन, सो S1P माइनस टी प्लस म्यू टी। सो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल पाथ। अब एक बात और भी है, जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है पी के ऊपर वो कितना होना चाहिए, वो आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए। जीरो के इक्वल क्यों, क्योंकि ये दोनों अब सेंट्रल फ्रिंज बना रहे हैं वहाँ पे। पहले आपका सेंट्रल फ्रिंज जब ओ के ऊपर बन रहा था तो S1O इक्वल टू S2O था, अब पी के ऊपर बनेगा तो ऑब्वियसली बात है S1P S2P के इक्वल होगा। ठीक है, सो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो दैट डेल्टा S1P इज इक्वल्स टू डेल्टा S2P। सो बट इन प्रेजेंस ऑफ शीट S1P एंड S2P आर इक्वल एंड सेंट्रल फ्रिंज ऑब्टेन एट P। हम जानते हैं P के ऊपर सेंट्रल फ्रिंज बनेगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो हम इन्हीं से आपकी थिकनेस निकालेंगे, S1P इक्वल है S2P के, दोनों उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं।
S1P हमारा क्या था, S1P माइनस टी प्लस म्यू टी, सो S1P माइनस टी प्लस म्यू टी दैट इज इक्वल्स टू S2P। अब यहाँ से हम सोल्व करते हैं, सो क्या हो जाएगा S1P, इसको इसी के साथ कंबाइन कर लेते हैं, प्लस म्यू, दोनों में टी कॉमन है, सो म्यू माइनस वन इंटू टी दैट इज इक्वल्स टू S2P। इन दोनों को एक साइड ले आते हैं, सो इधर रह जाएगा म्यू माइनस वन टी इज इक्वल्स टू S2P माइनस S1P। लेकिन हम जानते हैं जो आपका पार्ट डिफरेंस होता है, ये आप पहले भी कैलकुलेट करते आ रहे हो, सो वो आपका कितना होता है, हम जानते हैं कि आपका पार्ट डिफरेंस S2P माइनस S1P किसके इक्वल होगा, XD बाय DK। सो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, सो क्या हो जाएगा XD बाय DT, सो म्यू माइनस वन इंटू टी। अब यहाँ से सिंपली आपको टी की वैल्यू निकालनी है, सो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, XD बाय DT, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, इधर क्या आ जाएगा म्यू माइनस वन। ठीक है, सो आपकी थिकनेस ऑफ शीट कितनी आ चुकी है, XD अपॉन DT म्यू माइनस वन। ठीक है, सो यहाँ से हम थिकनेस ऑफ शीट भी निकाल सकते हैं। सो आज हमने सीखा कि आप वेवलेंथ को कैसे निकालोगे, क्योंकि अब यह तीनों ही फैक्टर आपके पास आ चुके हैं, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कीजिए, आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं वो भी हम देख चुके हैं, कैसे निकालते हो, दोनों फ्रिंजेस की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रिंजेस। फिर जब आपको स्मॉल डी निकालना होता है तो आप क्या यूज़ करते हो, कन्वेक्स लेंस को बीच में प्लेस कर देते हो और वहाँ से मैग्नीफिकेशन निकालते हो। मैग्नीफिकेशन निकालने के बाद वहाँ से आपके पास डी की वैल्यू आ जाती है, एक और फॉर्मूला होता है जो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि इंटरफेरेंस अगर आप वाइट लाइट से कराते हो तो वाइट लाइट के केस में सेंटर में क्या आता है आपका, ब्राइट फ्रिंज, लेकिन जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट से कराते हो तो सेम कलर के आपके फ्रिंजेस होते हैं एंड सेंट्रल जीरो ऑर्डर फ्रिंज को लोकेट करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, सो अगर आपको लोकेट कराना है जीरो ऑर्डर फ्रिंज को, सो किसको यूज़ करना होगा, वाइट लाइट को। ओके, फिर अगर हम बात करें लेटरल डिस्प्लेसमेंट की फ्रिंजेस की, सो हम वहाँ से थिकनेस की भी निकाल सकते हैं किसी भी शीट की, उसके लिए हमें वही सोर्सेज लेने हैं, वहाँ से ऑप्टिकल पाथ चेक करेंगे, सो किसी भी शिफ्ट हो जाएंगे पी पॉइंट पे वो, फिर वहाँ से हम चेक करेंगे कि आपकी कितनी डिस्टेंस तो ट्रैवल हो रही है ईयर के अंदर, कितनी आपकी शीट में ट्रैवल हो रही है, वहाँ से ऑप्टिकल पाथ निकालेंगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर फ्रिंज यहाँ पे हो रहा है तो इनका पाथ डिफरेंस आपस में इक्वल होगा, यानी कि इनका पाथ डिफरेंस जीरो होगा। सो वहाँ से हम उस पर्टिकुलर शीट की थिकनेस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा फ्रेशनल बायप्रिज्म। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड आप नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।